भक्तजनों, माताओं बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त यानी राखी बांधने का समय कब से कब तक रहेगा ये बताने जा रहे हैं। तो आपसे अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। तो सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को रक्षाबंधन महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। भगवान लक्ष्मी नारायण का भरपूर आशीर्वाद आपके जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। भाई बहन के प्रेम का अटूट त्योहार रक्षाबंधन, जो कि श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है, जो कि इस बार 22 अगस्त 2021 रविवार के दिन रक्षाबंधन का महापर्व मनाया जाएगा। और प्रत्येक भाई तथा बहन इस त्योहार का बड़ी बेसब्री के साथ में इंतजार करते हैं। पूरे साल उनको प्रतीक्षा रहती है कि कब राखी का त्योहार आएगा और मेरा भाई मुझसे राखी बंधवाने के लिए आएगा। कई भाई दूर दूर रहते हैं तो उनको इस समय अपना समय निकाल करके अपनी बहन के पास आकर के राखी बंधवाना होती है। वहीं कुछ बहनें अपने भाइयों के घर जाकर के राखी बांधती है, यानी रक्षा बंधन के दिन भाई बहन एक दूसरे की रक्षा का वचन लेते हैं। इसी तरह रक्षा बंधन का जो त्योहार है वो भाई बहन के अलावा माता पिता के साथ भी निभाया जा सकता है या फिर गुरु शिष्य के माध्यम से भी निभाया जा सकता है। और यदि आपका कोई भाई या बहन नहीं है तो आप प्रभु को या अपने इष्ट देव को भी भाई अथवा बहन मान करके उनको भी राखी बांध सकते हैं। रक्षाबंधन का जो त्योहार है वो आदि अनादि काल से चला आ रहा है और सबसे पहले जो है रक्षाबंधन का त्योहार राजा बलि ने माता महालक्ष्मी से राखी बंधवा करके मनाया था। इसी प्रकार जो है जब देवासुर संग्राम हुआ था उस समय भी देवराज इंद्र ने इंद्राणी के माध्यम से रक्षा सूत्र बंधवा करके राखी का त्योहार मनाया था और यह त्योहार आदि अनादि काल से चला आ रहा है। इस बार रक्षाबंधन का जो त्योहार है वो श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि यानी 22 अगस्त 2021 रविवार के दिन मनाया जाएगा और इस दिन राखी बांधने का जो मुहूर्त रहेगा वो सुबह से लेकर के देर रात तक रहेगा। रक्षाबंधन के त्योहार को बड़ा ही महत्वपूर्ण त्योहार माना जाता है और इस त्योहार का इंतजार सभी भाई बहन बड़ी बेसब्री के साथ में करते हैं। भाई बहनों और उनके रिश्तों को समर्पित त्योहार रक्षाबंधन माना जाता है। इस दिन बहनें अपने भाई के कलाई में रक्षा सूत्र बांधती है। इसके साथ वो अपने भाई की अच्छी सेहत और लंबी आयु की कामना करती है। वहीं भाई अपनी बहन को उसकी रक्षा का वचन भी देता है। इस साल रक्षाबंधन के दिन काफी लंबा जो है महामुहूर्त राखी बांधने के लिए मिल रहा है। 22 अगस्त रविवार के दिन रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाएगा और इस दिन शोभन नामक योग भी निर्मित हो रहा है और इस योग में रक्षाबंधन का त्योहार आने से बड़ा ही शुभ संयोग बन रहा है। 22 अगस्त 2021 को श्रावण माह की जो पूर्णिमा तिथि है उसका आरंभ 21 अगस्त को यानी शनिवार की शाम 7 बजे से आरंभ हो जाएगी, जो कि 22 अगस्त को शाम को 5:37 तक पूर्णिमा तिथि रहेगी। वहीं 21 अगस्त को शाम को 6:12 से भद्रा आरंभ हो जाएगी, जो कि अगले दिन सुबह 5:37 पर भद्रा समाप्त हो जाएगी, यानी 21 तारीख को शाम को 6:12 पे जो भद्रा प्रारंभ हो रही है वो 22 तारीख को सुबह 5:37 पर समाप्त हो जाएगी। धर्म ग्रंथों और पुराणों में लिखा हुआ है कि भद्रायाम द्वैन कर्तव्यम श्रावणी फाल्गुनी तथा, अर्थात भद्रा काल में दो कर्म बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एक तो होता है श्रावणी अर्थात रक्षाबंधन और दूसरा होता है फाल्गुनी अर्थात होली का दहन। तो राखी बांधने का जो मुहूर्त है वो 5:37 के बाद ही आरंभ होगा,
क्योंकि राखी बांधते समय शुभ चोगड़िया देखा जाता है। साथ ही इस दिन पंचक भी रहेंगे। सुबह 22 तारीख को 8:30 से पंचक आरंभ हो जाएंगे, जो कि निरंतर 5 दिनों तक रहेंगे, यानी 26 तारीख तक पंचक रहेंगे। हालांकि पंचक के दौरान राखी बांधने का कोई भी दोष नहीं माना गया है। पंचक में आप निश्चिंत होकर के राखी बांध सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का कोई संशय या भ्रम पालने की बिल्कुल भी आपको आवश्यकता नहीं है। चूंकि सूर्योदय व्यापिनी तथा शुद्ध पूर्णिमा जो है 22 अगस्त को ही है, और इसी दिन सभी को राखी का त्योहार मनाना चाहिए। जब भी कोई शुभ कार्य शुभ मुहूर्त में शुभ समय में किया जाता है तो उसकी शुभता में वृद्धि हो जाती है। भाई बहन के रिश्ते को अटूट बनाने के लिए आपको शुभ मुहूर्त में ही राखी का त्योहार मनाना चाहिए, और इस बार राखी बांधने का जो सबसे श्रेष्ठ मुहूर्त रहेगा वो रहेगा 22 अगस्त 2021 रविवार के दिन सुबह। सबसे पहला जो मुहूर्त आरंभ होगा 9 बजे से लेकर के दोपहर 12 बजे तक रहेगा। उसके बाद दोपहर 1:30 से लेकर के 3 बजे तक दूसरा मुहूर्त रहेगा, तथा शाम को जो गोधूली वेला तथा प्रदोष काल में जो मुहूर्त रहेगा वो शाम 6 बजे से प्रारंभ होकर के रात्रि 10:30 तक रहेगा। इन 3 मुहूर्तों में आप राखी का त्योहार मना सकते हैं। अपने भाई की कलाई पर आप राखी बांध सकते हैं। राखी बांधने के लिए सबसे पहले आपको ध्यान रखना चाहिए कि उस दिन भाई तथा बहन को व्रत रखना चाहिए, यानी एक समय भोजन करना चाहिए। जब तक राखी बांधने का कार्य संपन्न नहीं हो जाए तब तक आपको भोजन नहीं करना चाहिए। बहुत आवश्यक हो तो आप फलाहार कर सकते हैं, लेकिन रक्षाबंधन का कार्य संपन्न होने के बाद ही आपको भोजन ग्रहण करना चाहिए, तथा शुद्ध और पवित्र अवस्था में बहन अच्छी प्रकार से नए वस्त्र को धारण करे, और सभी प्रकार के श्रृंगारों को धारण करने के बाद एक पूजा की थाली तैयार करे। उस थाली में रोली चावल अबीर गुलाल पुष्प एक दीपक मिठाई और राखी और अन्य पूजन सामग्री रख करके और उसको अच्छी प्रकार से सुसज्जित करे, तथा एक जल का पात्र भी अपने पास में रखे, और भाई को एक चौकी पटे या उच्चा आसन के ऊपर उत्तर अथवा पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठाना चाहिए। उसके बाद सबसे पहले भाई को तिलक लगाएं और उसके मस्तक के ऊपर माथे के ऊपर टोपी या रुमाल आपको रख देना चाहिए, क्योंकि खुले मस्तक रख करके राखी नहीं बंधवाई जाती है। और उसके बाद उसके हाथ में नारियल आपको रखना चाहिए। ध्यान रखें कि नारियल जो है अच्छा साफ सुथरा और पानी वाला होना चाहिए। नारियल हाथ में रख करके उसके सीधे हाथ की कलाई पर आपको राखी बांधना चाहिए। राखी बांधते समय मंत्र का उच्चारण भी किया जाता है। ओम ये नबद्धो बलि राजा दानवेन्द्रो महाबलः तेन त्वां प्रतिबध्नामि रक्षी मा चल मा चल। इस मंत्र का आप उच्चारण कर सकते हैं, और इस प्रकार आपको भाई की कलाई पर राखी बांध देना चाहिए। राखी बांधने के बाद में उसको मिठाई खिलाई जाती है, तथा उसकी आरती उतारी जाती है, और उसके दोनों तरफ आचमनी से या पान के पत्ते से आम के पत्ते से जल छोड़ना चाहिए। उसके बाद भाई बहन को जो है भोजन करना चाहिए, और यह बड़ा ही पावन त्योहार माना जाता है। ध्यान रखना चाहिए कि रक्षाबंधन के दिन दाढ़ी कटिंग नहीं करवाना चाहिए, शरीर के अंग के कोई भी बाल नहीं कटवाना चाहिए, तथा राखी के दिन झूठ नहीं बोलना चाहिए, इस दिन क्रोध नहीं करना चाहिए, विवाद नहीं करना चाहिए, और इस दिन पेड़ पौधों को काटना या छांटना भी नहीं चाहिए। रक्षाबंधन के दिन आपको घर के बड़े बुजुर्ग सास ससुर माता पिता या अन्य वरिष्ठ जनों का अपमान नहीं करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। राखी के दिन आपको अपनी बहन या कोई भी स्त्री का दिल नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि धर्म ग्रंथों और पुराणों में लिखा हुआ है कि जहां पर नारी की पूजा होती है, नारी का सम्मान होता है, वहां पर सारे देवी देवताओं का निवास होता है। इसलिए नारी की रक्षा करे, नारी की पूजा करे, नारी का सम्मान करे, और सदैव उनको बराबर का दर्जा दे करके रखना चाहिए।
तो इस प्रकार यदि आप राखी का त्योहार मनाएंगे तो आपके घर में सुख शांति समृद्धि का वातावरण निर्मित होता रहेगा। तो भक्तजनों, माताओं बहनों, हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी आपको प्रदान की है उसके निमित्त यदि आप कोई भी दान दक्षिणा प्रदान करना चाहते हैं तो आप हमारी पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से या अकाउंट नंबर के माध्यम से नगद राशि पहुंचा करके आप रक्षाबंधन का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपसे अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।